Okay, in India, before independence, barter system में तो use होता ही था, commodity money भी था, जैसे gold, silver, coin. आप लोगों ने भारत में वो सुना होगा कौड़ी. क्या होता है कौड़ी? सीप समझते हो? वो शंख, शंख जैसा दिखता है आकार का. वो भी बहुत समय तक, कई सौ सालों तक, वो ट्रांजेक्शन के लिए मनी की तरह इस्तेमाल होता था, क्योंकि उसमें मनी की सारी गुण है, लिमिटेड है, स्कैरसिटी है उसकी, सब लोग उसको इजीली नहीं ला सकता समंदर से, और उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता. इसलिए उन सीप का भी इस्तेमाल बहुत कई सालों तक हुआ, और उसमें जो छोटे वाले आते थे उसके सीप, दैट इज़ नोन एज कौड़ी, और उससे ज्वेलरी भी बनती थी. सो व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन पेपर करेंसी इन 1770, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में बनकर आता था, और इसमें क्वीन विक्टोरिया की फ़ोटो होती थी. उसके बाद 1861 में करेंसी एक्ट आया. उससे पहले करेंसी एक्ट नहीं था, जो भी था बैंक ऑफ इंग्लैंड उसको डील करता था. तो अलग से इंडिया के लिए 1861 में करेंसी एक्ट बना, जिसके तहत अभी भी नोट प्रिंटिंग कहाँ होता था? बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही प्रिंट होता था. देन अप टू 1923 ये चलता रहा. विक्टोरिया की तस्वीर हटाकर किंग जॉर्ज फिफ्थ, जिसको हम जॉर्ज पंचम भी कहते हैं, उनकी फ़ोटो आ गई करेंसी पर. और 1935 में आप जानते हैं इंडिया में RBI की स्थापना हुई, एंड सिंस 1938 इंडिया में अपनी करेंसी, यहाँ पे करेंसी बनने लगी. अपनी करेंसी से मतलब अभी भी ब्रिटिशर्स ही प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया में होना शुरू हुआ. लेकिन क्या इंडिपेंडेंस के पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स की करेंसी यहाँ चलती थी? नहीं, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे. हैदराबाद ने अपनी करेंसी डेवलप की थी. भाषा तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उर्दू और फारसी, ये नोटों पर ये भाषा का इस्तेमाल करते थे 1919 ऑनवर्ड्स, और अप टू 1939 इसको प्रिंट किया गया, और 1952 तक ये देश में एक्सेप्टेड रहा. 52 के बाद ये हट गया. हैदराबाद के साथ साथ हमारे यहाँ पे पोर्टुगीज़ भी थे, और पोर्टुगीज़ ब्रिटिशर्स के भी पहले आए हुए थे. तो इनके पास जो एरिया था, दमन दीव और गोवा का एरिया, वेस्ट गोवा, ये सब पोर्तुगीज़ यहाँ पर अपनी खुद की करेंसी चलाते थे. हमें फ्रांस की जहाँ जहाँ पर बिजनेसेस थे, वहाँ पर फ्रांस अपनी नोट चलाता था. इनमें इसके अपने किंग की फ़ोटो हुआ करती थी, इसके अपने किंग की फ़ोटो हुआ करती थी, और यहाँ इंग्लैंड तो अपना चला ही रहा था, इसके अपने किंग की फ़ोटो हुआ करती थी. 1947 में आज़ादी के बाद किंग की फ़ोटो हट गई पेपर करेंसी में. अशोक स्तंभ ने अपना जगह लिया. 1947 टू 1949, जो पार्टीशन की वजह से जो डिवीज़न हुआ, उसके बाद पैसों का भी बंटवारा हुआ, रिसोर्सेज का बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान में, तो ये पहले दो साल हमारे सबके लिए बहुत कठिन था. बट 1949 ऑनवर्ड्स इंडिया अपनी अलग करेंसी बनानी शुरू कर दिया, सो दैट पाकिस्तान और इंडिया में तब तक सेम करेंसी था, लेकिन ये वो मोमेंट था जब बिल्कुल ही अलग करेंसी इंडिया में अपना डेवलप होना शुरू हुआ. 1959 में हज यात्रियों के लिए 10 रुपये और 100 रुपये के नोट अलग से भी छापे गए, जो 1960 में अलग अलग रंगों के नोट निकाले गए. आप कह सकते हो जो हमारी डेमोग्राफी थी वो ज़्यादा अनएजुकेटेड लोगों की थी, जो कई बार हम नंबर्स को नहीं पहचान पाते थे, रंगों से वो डिफरेंस कर पाते थे कि ये कौन से रंग की नोट कितने वैल्यू की है ना. तो फिर साइजेस और कलर्स, इसमें बहुत ही डिफरेंस आने लगा, पहले इतना डिफरेंस नहीं था. 1969 महात्मा गांधी की तस्वीर आई, लेकिन वो तस्वीर नहीं है जो अभी आप देखते हैं. 1980 ऑनवर्ड्स नोटों पर महात्मा गांधी तो नहीं रहे, लेकिन आर्ट, साइंस, मॉन्यूमेंट्स, वाइल्ड लाइफ, अदर सिंबल्स, टेंपल्स, भारत की विविधता को जितने तरीके से दिखाया जा सकता है, डाइवर्सिफाइड इंडिया को दिखाने के लिए ये नोट जारी किए गए थे. और 1986 ऑनवर्ड्स जो महात्मा गांधी की आज की तस्वीर आपको मुस्कुराती हुई दिखती है वो है. 1997 को 500 का नोट जारी हुआ, याद होगा वो नोट जो नोटबंदी के पहले था.
ये ऐतिहासिक दिन हम सबको याद है, 8 नवंबर 2016 व्हेन 500 एंड 1000 नोट हैज गॉन, नया नोट आ गया 2000 का।